ये दो पीसेस लिए 17 इंच बाय 23 इंच, 23 इंच इसकी हाइट है और 17 इंच इसकी विड्थ है। ऐसे हमने दो पीसेस लिए, ये एक और ये एक, 17 इंच बाय 23 इंच। यहाँ से फोल्ड किया, ये 23 इंच साइड है, यहाँ से हमने फोल्ड किया। फोल्ड करने के बाद हम इसके ऊपर मार्क करेंगे। देखिए ये फोल्ड साइड है और ये ओपन साइड है। यहाँ से 3.5 इंच का हम मार्क करेंगे, यहाँ से यहाँ तक 3.5 इंच। इसके बाद यहाँ से 2 इंच का, यहाँ से 2 इंच। इसके बाद यहाँ से 6.5 इंच, यहाँ से भी 6.5 इंच। इसे एक लाइन ड्रॉ करती हूँ। ये होने के बाद यहाँ से 9.5 इंच, यहाँ से भी यहाँ तक 9.5 इंच। इसके बाद यहाँ से ये ऐसे हम राउंड में जोड़ेंगे, ऐसे भी यहाँ से भी ऐसे जोड़ देंगे। यहाँ से यहाँ तक कटिंग करेंगे, यहाँ से यहाँ तक कटिंग करेंगे। देखिए यहाँ से और यहाँ से हमने कटिंग किया, यहाँ कॉर्नर पर, यहाँ से 1.5 इंच, यहाँ से 1.5 इंच, और यहाँ से हम ऐसे कटिंग करेंगे जो 1.5 इंच का मार्क किया है, ऐसे। जैसे हमने ये पीस कटिंग किया है, ऐसे ही ये दूसरा पीस हम इसी तरह से कटिंग करेंगे। देखिए ऐसे हमने ये दोनों पीसेस कटिंग किए। ये हमने दो अस्तर के पीसेस लिए, इसका मेजरमेंट है 24 इंच है। ये फैब्रिक हमने 23 इंच लिया था, अस्तर हमने 24 इंच लिया है, और ये 17 इंचेस। ये दो पीसेस लिए, इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे यहाँ से। इसके ऊपर भी हमने इसी तरह से मार्क किया है, यहाँ से 3.5 इंच, इसके बाद 2 इंच, यहाँ से 6.5 इंच, यहाँ से 6.5 इंच, यहाँ से 9.5 इंच, यहाँ से 9.5 इंच। ये हमने ऐसे जॉइन किया, ऐसे जॉइन किया। ये होने के बाद यहाँ से 1.5 इंच, यहाँ से 1.5 इंच। इसके बाद यहाँ से नीचे से, यहाँ से 12.5 इंच हम ऊपर की साइड में मार्क करेंगे, ऐसे 12.5 इंच का। देखिए ऐसे हमने कटिंग किया, यहाँ यहाँ और यहाँ। ये होने के बाद इसके अंदर आप चाहे तो सीधी उल्टी साइड कर सकते हैं, ये दोनों सीधी साइड हैं। यहाँ हम यहाँ से भी हम कटिंग करेंगे, ऐसे। तो ये अस्तर, ये दो पीस बनेंगे और ये दो पीस बनेंगे। ये हमने 17 इंच की जीपर ली, इसके अंदर हम रनर डालेंगे। देखिए यहाँ से हमने रनर डाला, रनर डालने के बाद ये साइड हम लॉक करेंगे। 2.5 इंचेस बाय 2 इंचेस का ये फैब्रिक लिया, ऐसे रखा यहाँ से, और यहाँ से हम सिलाई करेंगे। यहाँ सिलाई होने के बाद ऐसे अस्तर ऊपर की साइड में किया, फैब्रिक यहाँ एक फोल्ड और यहाँ से एक फोल्ड, ऐसे हमने यहाँ लॉक किया। ये होने के बाद ये दो फैब्रिक के पीसेस, दो अस्तर के पीसेस लिए हैं। इसके पीछे हमने ये पेपर कैनवास अटैच किया। इसका मेजरमेंट है 2.5 इंचेस बाय 14 इंचेस, 14 इंच बाय 2.5 इंच के दो पीसेस फैब्रिक के और दो अस्तर के पीसेस लिए हैं।
इसके बाद इसके एक साइड में आधे इंच से थोड़ा सा कम और पाव इंच से थोड़ा सा ज़्यादा ऐसा फोल्ड किया। एक ही साइड में हमने फोल्ड किया है, एक साइड ऐसे ही है, इसके ऊपर भी हमने इसी तरह से फोल्ड किया। अस्तर के ऊपर एक साइड में ही फोल्ड किया है। देखिए यहाँ ये फोल्ड साइड है, ये ऐसे रखी ऐसे, और ये फोल्ड नहीं है। इसके बाद ये जीपर हम लेंगे, जीपर ऐसे रखी, सीधी साइड ऊपर की साइड में है, और इसके ऊपर ये फोल्ड साइड, यहाँ ये जो फोल्ड साइड है, यहाँ ये फोल्ड साइड ऐसे रखी ऐसे, और ये जीपर हम यहाँ से सेपरेट करेंगे, एक साइड लेंगे। देखिए ऐसे रखा, यहाँ से यहाँ तक हम इसके ऊपर सिलाई करेंगे। ये फोल्ड ऐसे ही रहेगा यहाँ तक। देखिए ऐसे हमने यहाँ से सिलाई की, यहाँ से यहाँ तक ये फोल्ड है, और ऐसे ही ये जो फोल्ड किया था ये ऐसे ही रखा, यहाँ तक हमने सिलाई की। और ये सिलाई करते समय हमने ये अंदर की एक साइड की जीपर साइड में रखी थी। इसके बाद हम सीधी साइड करेंगे, कॉर्नर पर ऐसे कटिंग किया, और ये साइड हम ऐसे सीधी साइड करेंगे। देखिए ये जीपर ऐसे जॉइंट हो जाएगी ऐसे। सीधी साइड करने के बाद यहाँ से ये ऐसे फोल्ड है ऐसे, यहाँ से हम टॉप स्टिच करेंगे यहाँ से यहाँ तक। देखिए यहाँ आप देख सकते हैं ऐसे हमने यहाँ से यहाँ तक सिलाई की, और यहाँ पर भी हमने सिलाई की। ये होने के बाद दूसरी साइड हम जोड़ेंगे। देखिए ऐसे रखा, जैसे ये फोल्ड है वैसे ही ये फोल्ड रखा, यहाँ से, और ये फोल्ड ऐसे ही। यहाँ जो रनर की साइड है, जहाँ जहाँ से हमने रनर डाला, वो साइड में फोल्ड हम रखेंगे, और ये साइड यहाँ ये साइड में करते हैं। यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से हम यहाँ तक सिलाई करेंगे। यहाँ तक देखिए, यहाँ से हमने यहाँ तक सिलाई की, जैसे ये फोल्ड किया था वैसे ही यहाँ फोल्ड किया। ये होने के बाद ये कॉर्नर हम ऐसे कटिंग करेंगे, और यहाँ से सीधी साइड करेंगे ऐसे। यहाँ से टॉप स्टिच, यहाँ से ये फोल्ड है ऐसे ही रहेगा, यहाँ से यहाँ तक। देखिए तो ये ऐसे पीस बनेगा। ये होने के बाद यहाँ हम ऐसे फोल्ड करेंगे, सेंटर का मार्क करेंगे दोनों साइड में। इसके बाद ये पीस अस्तर के हम पीस लेंगे, ये सीधी साइड है और ये सीधी साइड है, ये सीधी साइड है, इसके ऊपर भी हम सेंटर का मार्क करेंगे। कैसे फोल्ड किया और यहाँ सेंटर का मार्क किया, ऐसा ही मार्क हम यहाँ करेंगे, ये सेंटर का मार्क, ऐसा ही मार्क हम यहाँ करेंगे इसके ऊपर। जैसे ये साइड में मार्क किया है वैसे ही दूसरी साइड में हम मार्क करेंगे। देखिए ऐसे रखा, ये सीधी साइड है, सीधी साइड है, ये सीधी साइड है, और ये सीधी साइड है, और ये अस्तर की साइड है।
तो हम ये साइड, ये रनर की साइड ऐसे रहेगी, ये जो मार्क है ऐसे रखा, ये सेंटर का मार्क, ये सेंटर का मार्क ऐसे रखा, इसके ऊपर ये ऐसे रखा, यहाँ से यहाँ तक हम सिलाई करेंगे। देखिए ऐसे हमने यहाँ से सिलाई की, सिलाई होने के बाद ये सिलाई ऊपर की साइड में रहेगी, ये ऐसे ऊपर रहेगा, ये ऐसे सिलाई ऊपर, और इसके ऊपर हम टॉप स्टिच करेंगे। देखिए यहाँ हमने टॉप स्टिच किया, दूसरा पीस ऐसे ही, ये सीधी साइड ऐसे रखी, ऐसे देखिए ये सीधी साइड, ये सीधी साइड, ये सेंटर का मार्क, यहाँ सेंटर का मार्क, और ये साइड यहाँ सेंटर का मार्क है। तो ये होने के बाद ये ऐसे एक साइड में रखते हैं, ये साइड ऐसे रखी और ये ऐसे रखा। देखिए यहाँ पर भी हमने टॉप स्टिच किया जैसे यहाँ किया था। ये होने के बाद ये जो शेप दिया था यहाँ से, तो ये साइड हम जोड़ेंगे, ये साइड में रखते हैं, यहाँ से और यहाँ से यहाँ तक इतनी स्पेस हम यहाँ छोड़ेंगे, यहाँ से यहाँ तक सिलाई करेंगे, यहाँ से यहाँ तक सिलाई करेंगे। ऐसे हमने यहाँ यहाँ और यहाँ सिलाई की इतनी स्पेस हमने छोड़ी है। ये होने के बाद ये कॉर्नर्स के ऊपर भी हम इसी तरह से सिलाई करेंगे, यहाँ पर भी। देखिए जैसे हमने इसके ऊपर सिलाई की, वैसे ही हम ये जो फैब्रिक है ऐसे रखा, यहाँ से और यहाँ से यहाँ तक हम सिलाई करेंगे। देखिए तीन साइड जोड़ने के बाद यहाँ कॉर्नर पर भी हम इसी तरह से सिलाई करेंगे और यहाँ पर भी। ऐसे हमने यहाँ कॉर्नर पर सिलाई की, ये साइड हम सीधी साइड करते हैं। ये अस्तर का पार्ट हम लेंगे यहाँ, ये साइड यहाँ से 4 इंच ऐसा ही मार्क हम यहाँ करेंगे उल्टी साइड में, यहाँ से भी 4 इंच ऐसा ही मार्क हम उल्टी साइड करेंगे। और ये होने के बाद ये साइड अंदर डालते हैं, ज़िपर ओपन करेंगे ऐसे, और ये बैग अंदर डालेंगे। ये सिलाई और ये सिलाई जोड़ते हैं, ये दोनों साइड में करती हूँ, यहाँ से भी या तो एक साइड कर सकते हैं ऐसे भी। ये हम पहले पिन से जोड़ेंगे यहाँ और यहाँ। देखिए ये हमने यहाँ और यहाँ पिन से अटैच किया, ये ऊपर की साइड में पिन से अटैच किया, ये जो मार्क था अस्तर और फैब्रिक हम साथ में जोड़ेंगे यहाँ से यहाँ तक। इसके बाद यहाँ से यहाँ तक ये जो मार्क है वहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक हम सिलाई करेंगे ऐसे ही, यहाँ पर भी यहाँ से यहाँ तक। देखिए ऐसे हमने यहाँ 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 और यहाँ सिलाई की। ये होने के बाद इसे इतनी स्पेस हमने ओपन रखी है चारों साइड की, ऐसे। ये होने के बाद ये जो राउंड शेप है वहां पर हम इसे छोटे छोटे कट करेंगे, यहाँ यहाँ पर भी और यहाँ पर भी ऐसे। ये छोटे छोटे कट करने के बाद यहाँ से हम सीधी साइड करेंगे। देखिए यहाँ से हमने सीधी साइड की, सीधी साइड करने के बाद ये जो हैंडल्स हैं ये हम ऐसे बाहर निकालेंगे, यहाँ से ऐसे चारों ऐसे हमने हैंडल्स बाहर निकाले,
चारों। ये होने के बाद ये जो ओपन स्पेस है इसके ये अंदर की साइड में फोल्ड किया और इसके ऊपर हम टॉप स्टिच करेंगे। यहाँ से हमने टॉप स्टिच किया, इसके बाद ये अस्तर अंदर की साइड में करते हैं। देखिए ये बेल्ट ऐसा है, तो हम ये दोनों ये ऐसा है तो ये साइड ऐसे हम जोड़ेंगे अस्तर की साइड, इसके ऊपर सिलाई करेंगे और ऐसे ही ये दोनों सीधी साइड ऐसे यहाँ पर भी हम सिलाई करेंगे। दोनों साइड सिलाई की, सिलाई होने के बाद ऐसे किया ये दोनों साइड, ये सिलाई दोनों साइड ऐसे रखी, यहाँ से फोल्ड, यहाँ से फोल्ड, ऐसे फोल्ड, ऐसे फोल्ड और इसके ऊपर हम टॉप स्टिच करेंगे ऐसे और यहाँ पर भी। देखिए यहाँ हमने अंदर की साइड में फोल्ड कर किया और क्लिप्स अटैच किया और इसके ऊपर हम सिलाई करेंगे। इसके साथ ये पूरे राउंड में यहाँ से यहाँ तक वैसे ही यहाँ से यहाँ तक टॉप स्टिच करेंगे। टॉप स्टिच के साथ साथ ही इसके ऊपर सिलाई आ जाएगी। ऐसे ही यहाँ से भी ऐसे यहाँ से यहाँ से यहाँ तक हम इसके ऊपर टॉप स्टिच करेंगे। इसे रखा और सिलाई करेंगे। देखिए यहाँ हमने ऊपर से टॉप स्टिच किया, सुंदर सी ये पैक हमारी बनी है और इसके ये हमने जीपर भी ज्वाइन की। देखिए इतनी बड़ी बैग है और ये कॉटन फैब्रिक से हमने बनाई है।